मैया मैया चिल्लाए रहो है जाई कार नागने खाओ विश्वामित्र ने आवाज लगाई है काशी के लोगों जिस समय महारानी तारा ने सुना कि मेरा पुत्र ही बागों में गया है फूल तोड़ने के लिए, अब तो रानी तारा रो करके ब्राह्मणनी के पास पहुंची है और कहा मैया क्या मैं बागों में घूमने के लिए जा सकती हूँ, मेरे पुत्र के लिए सर्प ने खा लिया है। और वो आवाज लगा रहे हैं एक महात्मा कि वो पुत्र मुंह से झाग डाल रहा है। रानी तारा बेटा के लिए बागों में पहुंची हैं, अब तो बागों में देखा कि रोहित को सर्प ने खा लिया है, रोहित के मुंह से झाग आ रहे हैं। रानी तारा ने उठाया और बेटा रोहित को अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेने के बाद रानी तारा तो रोने लगी है, बेटा मेरी सारी राजधानी छूट गई, सारा राजपाट छूट गया, लेकिन बेटा आज तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। अब तो महाराज रानी तारा ने क्या देखा है, आधी साड़ी को फाड़ा और बेटा रोहित को उसमें लपेट लिया, आधी साड़ी खुद ने पहनी है। और आज रानी तारा मरघट के लिए बेटा रोहित को लेकर के चली कि मरघट जाई रही